अरे मम्मा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कनीज बस अभी खाना लगाती होगी। आ रहे हम अभी। मैंने पूछा था, मम्मा पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। हद होगी, वो जो नए नए कपल्स की हालत होती है ना, बिल्कुल वैसी हालत होगी आपके मम्मी पापा की। भाई मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। रोज घर आओ तो कोई ना कोई मामा ने बात रखी होती है। तो कुछ ऑफिस की सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ उरुपा ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है, मामा बाबा को अब आराम करना चाहिए। यार वैसे भी अब वो कुछ काम वाम करने के काबिल तो रहे नहीं है। और मामा का ना दादू की खिदमत करनी चाहिए। हमें तो बहुत कहती हैं बुजुर्गों की खिदमत किया करो, सवाब मिलता है। अपने बुजुर्गों की खिदमत तो करें। बाबू से तो बात आती कीजिए, और मामा से हम सबको बात करनी पड़ेगी। बैठ के बताना पड़ेगा कि अब पूरे घर में फैलने की जरूरत नहीं है। दादू कैसी हैं आप? ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ। पता नहीं ये इंतजार की डोर कब टूटेगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मामा की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। आप उन्हें समझाएं कि ये घर अब उनका नहीं, उनकी बहुओं का है। उन्हें जितना राज करना था वो कर चुकी, इसलिए अब हमें सुकून से जीने दें। अब आप खुद देखें, दोनों मियां बीवी बगैर किसी को बताए पता नहीं कहां चले गए। मैं बात से कहता हूं कि फोन करके पूछे कहां है वो। अम्मा नया पूछती है कि अगर ये घर आपका है तो उसका घर कहां है। फिर मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएंगे तो ये घर तुम्हारा होगा, मगर ये घर आज भी उसका नहीं है। अम्मा ने आपका घर कौन सा? खैरो, नई जिंदगी में कदम रखने से पहले कुछ बातें समझ लो। ये घर मेरा है, यहां मेरा हुक्म चलता है, और मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अंबर जी, मामा बाकी बातें तुम इन्हें समझा देना। जी। क्या हुआ? मोबाइल ऑफ जा रहा है यार। शुमाला आवाज देती रहेगी और इन्होंने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। चंदा खाला को फोन करें, वहीं गई होंगी। वही ट्राई करता हूँ। किसका फोन है? हेलो, कौन? ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? सॉरी आंटी। क्या? कब?
जी आंटी, पर जरिए आप सो रहे हैं। नहीं आंटी, मैं उठा नहीं सकती, जाने वाली तो चली गई और आप लोग तो हैं ना वहां। आंटी मुझे नींद आ रही है, खुदा हाफिज। क्या हुआ अरूबा, किसका फोन था? आंटी का फोन था, वो चंदा खाला की डेथ हो गई है, कह रही थी बात का नंबर नहीं मिल रहा, आप दोनों को हॉस्पिटल बुला रही थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप आराम कर रहे हैं, आप क्यों खामखा बे आराम हो? पहले तो बगैर बताए चली गई और अब यूं तंग कर रही हैं। वैसे भी आपके वहां जाने से वो कोई जिंदा थोड़ी होने वाली हैं। चलो अच्छा किया तुमने, वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं थी कहीं जाने की। सुनो तुम भी प्लीज आराम कर लो। हाँ मैं बस ओल्ड एज हाउस शो की तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी देर में सोती हूँ। बात प्यारों की हो या घर बताया, मैं आ जाती हूँ उनके पास। चंदा नानो तो बिल्कुल अकेली होंगी। हाँ बिल्कुल अकेली थी, सलाहुद्दीन और उसकी बीवी तो डेथ के बाद पहुंचे थे, नाराज थे ना वो उनसे। अपना अपार्टमेंट जो उन्होंने तुम्हारे नाम कर दिया था, बड़े बदकिस्मत है, मां की खिदमत ही नहीं कर सके। सभी को एक ना एक दिन चले जाना है, हम भी कब तक बैठे रहेंगे, जीते जीते थक ही जाएंगे ना। मामा ऐसी बातें मत करें। मामा एक बात कहूं, आप और पापा मेरे पास यहां आ जाए। अरे नहीं बेटा, माँ बाप बेटियों के ससुराल में रहते हुए अच्छे नहीं लगते। हया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी का ससुराल नहीं, तुम्हारे भाई का भी घर है। मैं और साद अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम और अरसलान वहां कितने दुखी हो, तुम्हारी बहुएं तुम लोगों के साथ कैसा सलूक कर रही हैं। अरे नहीं अंबर भाभी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं और दादू का भी, बस चंदा खाला का अफसोस है। आप बताइए ईमान से आपको कोई शिकायत तो नहीं है? अरे नाया कैसी बातें कर रही हो तुम, ईमान तो हीरा है, आज मैं और साद बहुत खुश हैं कि हमने एक बहुत बेहतर फैसला किया है। अच्छा सुनो, तुम और अरसलान जब चाहो यहाँ आ सकते हो, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, और आंटी को भी अपने साथ लेकर आना, हम उनका इलाज यहीं करा लेंगे। नहीं भाभी, बस ये आंटी का इलाज हो रहा है ना, दुआ करें ठीक हो जाए। साथ भाई को सलाम कहिएगा और गुड्डू से कहिएगा मुझे वक्त मिला तो मैं उसे भी फोन करूंगी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तुम कितना झूठ बोलती हो नाया, झूठ बोलना पड़ता है। मैं किसी की पोजीशन खराब ना करने के लिए झूठ बोल रही हूँ, किसी पर बहतान नहीं लगा रही। खाना लाती हूँ आपके लिए। हमेशा के लिए चली जाएंगी क्या? मैं हमेशा कहाँ यहाँ रहने वाली थी, लेकिन अब तो लगता है कि जिंदगी कुछ दिनों की बल्कि कुछ महीनों की रह गई। नायाब से तो मैंने माफी मांग ली, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुम भी मुझे माफ कर देना। जाने अब लौट कर आई है, क्या पता आप आए और हम ही ना हो, ये भी हो सकता है। इजाजत। आखिरी दफा तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ, तुमने सारी जिंदगी ऐश की, राज की, हुकूमत की,
आप अपनी आकबत के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें वहां भी सुकून मिले।